बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में हैं। कंगना रनौत एक बार फिर बीजेपी सांसद वरुण गांधी के निशाने पर हैं। वरुण गांधी ने कंगना पर स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि कंगना की सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। ये पूरा मामला क्या है ये जानिए। वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार, इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। वरुण गांधी ही नहीं बल्कि अकाली दल के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करके कहा है कि मणिकर्णिका का रोल निभाने वाली आर्टिस्ट आजादी को भीख कैसे कह सकती है, लाखों शहादतों के बाद मिली आजादी को भीख कहना कंगना रनौत का मानसिक दिवालियापन है। दरअसल एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने आजादी को लेकर विवादित बयान दिया था। कंगना ने कहा, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है। सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आजादी नहीं, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो है 2014 में मिलने वाली आजादी।